जाऊं देखो तो कौन है यहाँ पे टांगू भाई साहब। बीच में यहाँ पे ज़ेरेफ और रेगल्टो दो बंदे लटा दिए, ज़ेरेफ तो ऑलरेडी डेड भाई साहब, ज़ेरेफ को तो ऑलरेडी निपटा दिया। यहाँ पे सोल के स्ट्रेटेजी मेरे को समझ नहीं है क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं मॉर्टल के पास जाऊँ, मॉर्टल के पास देखते हैं क्या सीन है मॉर्टल का। यहाँ पे हम अगर देखें तो मॉर्टल यहाँ पे पूरा फॉल बैक करते हुए देखे, उसकी टीम वहाँ पे धाराशाही होते हुए देख रही है मॉर्टल की टीम के। वो दो बंदे खो चुके, ज़ेरेफ को तो भाई तुरंत ही आया और मर गया भाई, ज़ेरेफ ऐसे जो मर गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो रेगल टॉस नॉक पड़े हैं। यहाँ पे नेट बेट करने की कोशिश, काफी अच्छा नेट बेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, राइट से आ रहे हैं। एंड ये एक बहुत ही बढ़िया नॉक यहाँ पे मॉर्टल का, यहाँ पे एक और को नॉक, और इसी के साथ ही मॉर्टल ने पूरा वाइप आउट कर दिया क्रॉलर्स को। ओपी भाई साहब, भाई जल्दी से जल्दी कैन वी हैशटैग मॉर्टल ओपी इन द चैट बॉयज। यार क्या क्लच किया भाई, वेक्टर से क्लच करना भाई आराम आसान बात नहीं होती। अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हो तो आपको पता ही होगा भाई के हैं रेगल टॉस को भी। तो इसी के साथ ही मॉर्टल अब डूम वर्सेस स्क्वाड खेलते हुए देखेंगे यहाँ पे मॉर्टल के सामने आएंगे। मॉर्टल को जल्दी मॉर्टल हैज आइज ऑन टीम नंबर 7, टीम नंबर 7 इस पे क्लोज इन कर चुके हैं। एसएसक्यू के बंदे, एसएसक्यू निंजा हैज आइज ऑन मॉर्टल, निंजा और भाई सब एलिमिनेट कर दिया, नॉक कर दिया। पीछे जोकर बचा, इसको जोकर भी पता है कहाँ पे, जैसा कि हम देख सकते हैं ये ट्राई कर रहे हैं कौन से हिल पे जोकर छुपा हुआ है भाई साहब, ही जस्ट ट्राइंग टू स्पॉट। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मॉर्टल, क्या ओपी खेल रहा है आज मॉर्टल, रियली ओपी यार, ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ। मतलब भाई व्हाई इज मॉर्टल ओपी, व्हाई इज मॉर्टल सो मच रिनोन्ड यार, क्या खेल रहा है यार मॉर्टल भाई। हेलो, और यहाँ पे भाई साहब एज आई कैन सी मॉर्टल के यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट स्ट्रेट हो रहे हैं। अगर ऊपर से मैं जोकर के पास जाऊँ, जोकर के तरफ देखते, जोकर का पीओवी देखते, जोकर क्या बचा पाएगा अपनी टीम को, क्या जोकर टीम सोल को क्लच कर पाएगा 1v2, क्या वो एक ट्रेडमार्क अपना नाम छाप पाएगा यहाँ पर। अगर मैं देखूँ जोकर एक नेट ट्राई करेगा, अगर ये वाइपर पे नेट अगर लगा दे तो बहुत ही दिक्कत होती है। मैं वाइपर तुरंत ही यहाँ पे चले गया और इसी के साथ ही वाइपर को उसने 1 HP किया था, बट हालांकि वाइपर का बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्स आता हुआ तो दिख रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं मॉर्टल इज ट्राइंग टू टेक अप अ फाइट फॉर टीम नंबर 23, मॉर्टल हैज ओपी 5 किल्स मैन। यहाँ पे मॉर्टल थोड़ा बहुत नेड एक कोशिश कर रहा है, अगर ये नेड उसका कनेक्ट हो गया वहाँ पे NFT आर्नोल्ड की गाड़ी फोड़ती, आर्नोल्ड की गाड़ी के साथ अगर मिर्जापुर भी नॉकआउट हो जाए, टेट्रैक्स को भी नॉकआउट होता है भाई भाई साहब। यहाँ पे टीम सोल के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज दे हैव टू गो टू द जोन। और यहाँ पे भाई सामने है UME का लाइनअप, अगर मैं जाऊँ तो BI के लाइनअप, बिकॉज BI के लाइनअप आर ट्राइंग टू टेक अप अ फाइट विद टीम नंबर 18। यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि टीम नंबर 18 के साथ इनकी फाइट अप होते हुए दिख रहे हैं, टीम नंबर 18 के पास जो टीम नंबर 18 आर ट्राइंग टू टेक अप अ फाइट विद टीम नंबर स्टार, और स्टार के पीछे 7 इज भाई साहब, मतलब सारे इधर उधर टीम है। और वहाँ पे मॉन्ट्स के बंदे नॉकआउट पड़े हुए दो बंदे, तो क्या यही ओपनिंग चाहिए थी टीम सोल को। एज वी कैन सी टीम सोल मॉर्टल इज गोइंग ऑन फुट, यहाँ पे पूरा क्लोज इन करते हुए दिख रहे हैं मॉन्ट के बंदे के ऊपर। और यहाँ पे वाइपर 1 HP बचा, वाइपर यहाँ पे तुरंत ही अपने किल सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक और बंदे को उन्होंने नॉकआउट कर दिया। UME एक्सपर्ट अकेला बचा है यहाँ पे, मॉर्टल को अगर मैं स्पेक्टेट करूँ मॉर्टल यहाँ पे तुरंत ही पूरा क्लोज इन फॉल अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो ही नोज वेयर इज UME एक्सपर्ट इज। लेट्स सी मॉर्टल वर्सेस UME एक्सपर्ट, 1v1 से खेलते हैं। जंप एंड शूट, और बहुत ही बढ़िया जंप एंड शूट, और इसी के साथ ही भाई छठा किल मॉर्टल का। भाई साहब क्या खेल रही है भाई मॉर्टल, मतलब अकेला ही वाइपर और मॉर्टल क्या खेल रहे हैं यार। मतलब दो बंदे इनके मर चुके हैं, बट इनको कुछ गम नहीं हो रहा है कि भाई दो बंदे इनके मर गए हैं, दे आर स्टिल ट्रैकिंग इट। बट अभी जस्ट आगे ही जाते हैं, इनको मिलेगी टीम 8-bit, 8-bit के साथ इनकी फाइट अप होती होने ही वाली होगी। वहाँ पे नीचे अगर मतलब 7S के बंदे यहाँ पे, 7S के लौंडे यहाँ पे स्टारेट के लौंडे पे आएंगे क्लोज इन करते हुए देखेंगे। यहाँ पे स्टारेट के लौंडे, अगर मतलब स्टारेट के लौंडे यहाँ पे होल्ड अप कर रखे हैं 7 स्टारेट, लैरी को देखो, लैरी इज जस्ट होल्डिंग, दोनों अलग अलग जगह होल्ड अप कर रखे हैं। लैरी यहाँ पे जंप डाउन, स्टारेट का कुनाल यहाँ पे नॉकआउट हो चुका है, स्टारेट का 600 लास्ट एंड इन्फर्नो अकेला बचा, यहाँ पे लैरी अकेला बचा अपनी टीम के, क्या लैरी क्लच कर पाएगा 1v3 कर पाएगा। यहाँ पे BI बनी ने IM पे एक बंदे को यहाँ पे ओके, एंड इसी के साथ ही स्टारेट भी एलिमिनेट हो चुके हैं। अगर मैं सोल के पास जाऊँ, सोल के बंदे वहाँ पे और किल्स यहाँ पे निकाल चुके हैं, सोल के बंदे यहाँ पे आई गेस किसको एलिमिनेट किया है, सोल बंदा आएगा किसी, सोल वाइपर ने यहाँ पे 7S, ओके 7S के बंदों को यहाँ से उन्होंने निकाल दिया भाई साहब, क्या एंगल ही बनाया होगा यहाँ से, ऊपर से थर्ड पार्टी कर दी यहाँ पे स्टारेट और 7S के बंदों को। और यहाँ पे भाई साहब क्या ही दिक्कत दे रही है यहाँ पे टीम 8-bit को, 8-bit को जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 8-bit बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में, हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से केव के बंदे पूरा ही गाड़ी वाड़ी एकदम फोड़ दिए यहाँ पे, केव के बंदे जैसे हम देख सकते हैं एकदम ही पूरा गाड़ी वाड़ी उनके फोड़ दिए, ताकि 8-bit के बंदे वहाँ पे इजीली रोटेट, और केव के बंदे बहुत ही अच्छे यहाँ पे
नीचे अगर देखो 0 डिग्री के बंदे अच्छे से कंपाउंड एक होल्ड करे, पीछे अगर देखो आईएम के बंदे होल्ड अप करें, उसके पीछे जाओ तो बीआई के बंदे और एक तरफ जाओ तो एफजी के बंदे। यहाँ पे बीआई की बनी के बंदे, बीआई बनी है एलिमिनेटेड वन का यार, बीआई बनी एंड, और बीआई की टीम क्या खेल रही है, बीआई कार्टूस के यहाँ पे नॉक एंड फिनिश तुरंत ही कंफर्म कर चुके। यहाँ पे ऐश गेमर को देखो, ऐश गेमर की टीम में एक जो पड़ा है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा जल्दी से। और यहाँ पे अगर मैं मॉर्टल की बात करूँ, मॉर्टल हैज आईज ऑन टीम 8-bit, क्या यहाँ पे मॉर्टल टीम सोल वर्सेस 8-bit हो रहा होगा, लेट्स सी यहाँ पे भाई साहब क्या सीन है। और यहाँ पे ऊपर मैं देखती हूँ तो भाई साहब टीम एफजी हैव क्लोज्ड इन, आई गेस टीम एफजी आर ट्राइंग टू क्लोज इन ऑन टीम बीआई है, ऑन फुट खेल रहे तब से पूरा स्टार्टिंग से इन्होंने गाड़ी इनकी खो चुके थे बहुत ही पहले यहाँ से। और मैं देख सकता हूँ फैंक को जल्दी से यहाँ पे स्मोक अप कर दिया पूरा ही। नीचे अगर मैं जाऊँ टीम सोल के पास यहाँ पे देखूँ तो भाई साहब मॉर्टल है आई साहब भाई पर ने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे पीछे अगर मैं देखता हूँ बैक फॉर मर्सी का किल चुरा लिया, सिक्योर कर लिया मॉर्टल ने यहाँ पे। मॉर्टल ओपी भाई साहब, एक और किल मॉर्टल की, मॉर्टल का 9th किल हो सकता है क्या यार, टेट्रैक्स को मार के 9th किल कर पाएगा यानी। और इसी के साथ ही मॉर्टल का 9th किल टेट्रैक्स को यहाँ पे एलिमिनेट करके मॉर्टल ने 9 किल्स ले लिए, अकेला किल बचा है मॉर्टल को। अगर पता हो वहाँ पे कि वहाँ पे उन्होंने नॉकआउट को फिनिश किया तो भाई साहब उसको आइडिया होगा वहाँ पे एक और बंदा जा चुका, जॉर्ड ने ट्रिगर को कंफर्म कर दिया। तो वहाँ पे अगर मैं देखो अब जब तक ये स्मोक है तब तक गिल देते, जैसे ही ये स्मोक खत्म एंड मॉर्टल है स्पॉटेड गिल यहाँ पे, और मॉर्टल को गिल ने स्पॉट करके मॉर्टल के ऊपर बहुत ही अच्छा गिल ने रिफ्लेक्स दिखाया, मॉर्टल को टेक आउट करें। यहाँ पे वाइपर को मैं जाओ, वाइपर अगर यहाँ पे क्लोज इन की जगह मॉर्टल के ऊपर थोड़ा रच के रहते तो अच्छा होता। और यहाँ पे इसी के साथ ही ओह माय गॉड टीम 8-bit हैज एलिमिनेटेड टीम सोल यार। अगर वाइपर थोड़ा होल्ड अप करता वहाँ पे, अगर मॉर्टल के साथ वहाँ पे रहता, बिकॉज किल हैड टू क्लोज इन ऑन हिम, उसको जाने की जरूरत नहीं थी, बट वहाँ पे वाइपर का जोश में होश को बैठे वाइपर जैसा कि हम देखें। और यहाँ पे 0 डिग्री वर्सेस बीआई होता हुआ दिख रहा है, बीआई के बंदे ओपन में एक जरा सी गाड़ी का कवर है। और यहाँ पे हम देखें तो पीछे टीम आईएम की लाइनअप है, आईएम कौन सी टीम जीतेगी, चैट जल्दी से टीम स्पैम कर दे यार, योर फेवरेट टीम, विल इट बी आईएम, विल इट बी 0 डिग्री, विल इट बी बीआई, और विल इट बी 8-bit। लेट्स सी यहाँ पे क्या सीन बता है, 8-bit का तो एक ही बंदा बचा, उसके 8-bit के लिए थोड़ी डिफिकल्ट वाली सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे गिल के पास जाओ, अगर गिल को खतरा है, यहाँ पे गिल ने एक बंदे को नॉक किया है, गिल हैज आइज ऑन लोडिंग है, गिल क्या ओपी खेल रहा है। ओके गिल के ऊपर एक नेट आया, क्या गिल इस नेट से बच पाएगा, यस गिल सर्वाइव दैट फर्स्ट नेट भाई साहब, नेट से सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे नेट और मोनोटॉप जाता है, वहाँ पे बीआई वर्सेस टीम 0 डिग्री हो चुका है, 0 डिग्री का एक बंदा वहाँ पे नॉक पड़ा है, बीआई के बंदे ओके नहीं 1 HP पड़ा है वो, उसको जल्दी से उसने हील कर दिया। और यहाँ पे बीआई बनी को नॉकआउट कर दिया, तो मैं फैंक के बजाओ, फैंक इज क्लोजिंग इन ऑल गोइंग इन ऑल इन और ऑल आउट, ही इज जस्ट कैशिंग ऑल थिंग्स। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जंप एंड शूट, और भाई साहब ही ट्राइड नाइस जंप एंड शूट, पर सामने वाले पे ग्रोजा थी तो भाई कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 8-bit का गिल अकेला बचा है, गिल स्टिल ट्राइंग टू समहाउ डू समथिंग फॉर हिज टीम, अपनी टीम को वो थर्ड पोजिशन तक ला चुका, बहुत ही अच्छा यहाँ पे गिल की जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे के साथ गिल विल जस्ट बी होल्डिंग अप, गिल भी यहाँ पे स्प्रे दे रहा है, अगर गिल एक दो नेट डाल देना रैंडम बहुत ही अच्छा हो सकता है। गिल ने यहाँ पे शॉट्स दे दिए, यहाँ पे आईएम के डू भी नॉक हो चुके हैं, जॉर्ड रेड यहाँ पे आईएम खतरे में दिख रही है, बहुत ही गंदा खतरे में यहाँ पे आईएम दिख रही है जैसा कि हम देख सकते हैं। अच्छा अच्छा रैंडम नेट्स आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि हम चैट देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 0 डिग्री के रेड के बाद रेड इज ट्राइंग टू थ्रो अप नेट आउट, भाई साहब रेड ने एलिमिनेट कर दिया टीम आईएम को, सो इट इज डाउन टू किल, विल इट बी 8-bit और विल इट बी टीम 0 डिग्री, 1v3 सिचुएशन। गॉड इज साइड, गॉड को उसने कम HP किया था बट यहाँ पे सामने से और 0 डिग्री ने एलिमिनेट कर दिया उसको। 0 डिग्री पर प्लेइंग 3 मैन स्क्वाड, विनर विनर चिकन डिनर निकाल दिया है टीम रेड ने यहाँ पे।